हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक कैसे लगा सकते हैं। आप लोग जानते होंगे ब्लू टिक इंस्टाग्राम पर किस तरीके से मिलता है। आपका सोशल मीडिया पर कोई आर्टिकल हो तभी आपका ब्लू टिक इनेबल होता है, मगर मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना कोई आर्टिकल के अपने इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, इस वीडियो में आपको एकदम बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको सीखना हो, आपको लगाना हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करके आपको बता देते हैं। तो साइड में देखिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना इंस्टाग्राम ओपन करके यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई अभी ब्लू टिक नहीं लगी है, ठीक है। तो मैं अपने प्रोफाइल पर जाऊँगा, ऊपर आप नाम देख सकते हैं, अभी कोई ब्लू टिक नहीं लगी है यहाँ पास। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन को, एक एप्लीकेशन है उसको आपको सर्च कर लेना है, जिसका नाम है वेब इंस्पेक्टर। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सर्च कर लेना है वेब इंस्पेक्टर को, ठीक है। सर्च करके यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैंने इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर टैप करना है आपको। उसके बाद ये एकदम आपके एकदम ब्राउज़र के तरीके, जो क्रोम होता है उसके तरीके ओपन हो जाएगा, गूगल भी ओपन हो जाएगा। अब सर्च बार पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम लॉग इन, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम लॉग इन, ठीक है। इंस्टाग्राम लॉग इन के बाद यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली वेबसाइट है इंस्टाग्राम लॉग इन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है। ये एकदम सेफ़ है, आपकी कोई आईडी, मतलब आपकी ना कोई आईडी बैन होगी ना कुछ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एकदम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है अपनी, जिसमें आपको ब्लू टिक लगाना है, ठीक है। तो मैं ब्लू टिक लगाने जा रहा हूँ अपने रेटेक आसिम 705 में, उसका मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है। सिंपली आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप अपने लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ से लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन हो रही है, यहाँ पर हमें वेट कर लेना है क्योंकि टाइम लगता है यहाँ पास लॉगिन होने के लिए। तो यहाँ देखिए मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है, मैं नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है, आपको भी नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी आईडी यहाँ पास आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सीधे अपने यहाँ पास प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पास मैं अपने प्रोफाइल पे चले जाता हूँ, यहाँ पास आप देख सकते हैं अभी भी कोई ब्लू टिक नहीं लगी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सर्च बार वाला ऑप्शन दिख रहा है इंस्टाग्राम पर, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पास ऐसे लोग को सर्च कर लेना है जिनकी ब्लू टिक लगी है, जिनका ब्लू टिक वेरीफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, कोई भी पर्सन को यहाँ सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने द रॉक को सर्च कर लिया, ठीक। तो यहाँ पास देखिए ये आ गया, ठीक है, इनकी प्रोफाइल आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इनके प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पास वही ट्रिक है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखिए आपको हैंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। रेड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो द रॉक के नाम के आगे ब्लू टिक जो दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ भी क्लिक नहीं हुआ, फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर इसको आराम से करना पड़ेगा। देखिए क्लिक हो गई, अभी आप जो कोडिंग आ रही है आपके सामने, उसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पास मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो हैंड का ऑप्शन है जो मैंने ऑन करके बताया था, आपको इसे ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ करना ना भूलिएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा बैक जाना है और अपनी प्रोफाइल पर चले जाना है, जो आपकी प्रोफाइल है जहाँ मैंने दिखाया था ब्लू टिक नहीं दी। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, अब यहाँ पास से आपको फिर से अपने हैंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हैंड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, ये रेड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपका जो नाम आ रहा है टेक मेरा नाम आ रहा है टेक आसिम 705, आपका भी जो भी नाम भी होगा जिस पे आप ब्लू टिक लगाएंगे उस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपने कोडिंग कॉपी किया था आपको यहाँ पास पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर आ रहा है, देखिए सेव का ऑप्शन, ये देखिए, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको हैंड का ऑप्शन है, इसको भी बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पास मेरे नाम के आगे ब्लू टिक लग चुकी है। अब आप सोचेंगे कि यार मेरे इंस्टाग्राम पर रही है, तो मैं आपको पहले एकदम साफ साफ बता दूँ, यहाँ पास सिर्फ आप ये क्या कर सकते हैं, ब्लू टिक आपकी लगी नहीं है, सिर्फ ब्राउज़र में लगी है, ठीक है। आपको ओरिजिनल में ब्लू टिक नहीं मिलेगी, जो क्राइटेरिया है इंस्टाग्राम का कि आपका अगर आर्टिकल होगा तभी आपकी लग पाएगी ब्लू टिक, ये सिर्फ इसलिए है कि आप किसी दूसरे के पर्सन से प्रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों से या अपने फ्रेंड से, मतलब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं यार मेरे इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक मिल चुके हैं, इतने कम फॉलोअर में मेरा कोई आर्टिकल भी नहीं ना तभी मुझे ब्लू टिक मिल चुकी है, मतलब दूसरों को आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट लेके या मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाकर दूसरों को आप शेयर करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लगी है। तो मैंने आपको बहुत एकदम साफ साफ बता दिया कि आपकी ब्लू टिक इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगी, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउज़र में। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लगा सकते हैं और प्रैंक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। तो नीचे मैंने बताया जरूर कैसी की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक दीजिएगा, अपने शेयर में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नॉटिफिकेशन उसको प्रेस कर लीजिएगा, उससे होगा कि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।